गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही फेमस जगह पे, जो कनॉट प्लेस में है, दिल्ली की सबसे पुरानी फेमस बेकरी शॉप या केक शॉप कह लीजिए। तो इसका नाम है वेंगर्स। ये बिल्कुल हार्ट ऑफ दिल्ली में है, कनॉट प्लेस के बिल्कुल बीचों बीच। तो चलिए, यहाँ जाने के लिए हमें जनपद मार्केट भी बीच में पड़ता है। तो अगर आप पूरा दिन निकाल के आए हैं और अगर घूमने की प्लानिंग से आए हैं, तो आप जनपद मार्केट भी एक राउंड लगा सकते हैं। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये पूरी जनपद मार्केट है और ये पूरी बाहर की जनपद मार्केट है। अभी थोड़ी सी आपको अंदर की जनपद मार्केट भी दिख जाएगी इसी रास्ते में, और फिर हम चलते हैं वेंगर्स केक शॉप की तरफ। अच्छा विंटर्स कलेक्शन आया हुआ है जनपद मार्केट में, जिसका डिटेल टूर मैं किसी और दिन कराऊंगी। तो बस चलते हैं हम इसी रास्ते से होते हुए। आप वहाँ पैदल भी जा सकते हैं, आप चाहे तो ऑटो भी लेके जा सकते हैं, तो मेट्रो से भी जा सकते हैं, काफी सारे रूट्स हैं। पहुंच गए हैं वेंगर्स। आप देख सकते हैं इसी के साइड में म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स भी है, जो कि काफी यूनिक जगह है फैमिली के साथ घूमने के लिए। तो अगर आप प्लान करें म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स घूमने का, तो आप वेंगर्स भी हो सकते हैं आ सकते हैं, और अगर आप वेंगर्स जाने का प्लान करें तो साथ ही में आप म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स भी घूम सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम अंदर आ चुके हैं और ये सारे इनका ब्रेड्स का सेक्शन है। काफ़ी डिफरेंट और यूनिक टाइप के ब्रेड्स अवेलेबल हैं इनके यहाँ पे, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, और काफ़ी वैरायटी है इनके पास पेस्ट्रीज के, डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स के, टार्ट्स हैं यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके से, मैकरूनस हैं, जो सारे अलग टाइप के जो पेस्ट्रीज या हम जो भी चीज़ें जो सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। इनफैक्ट जो क्रीम रोल्स होते हैं, जो हमारे क्लासिक क्रीम रोल्स हैं, वो भी इनके पास है, आप देख सकते हैं नीचे रखे हुए। ये सारे इनके केक्स हैं, थोड़ा कॉस्टली है, बट इनका टेस्ट और इनकी जो क्वालिटी है वो काफी डिफरेंट है, काफी अच्छी है बाकी हर जगह से। ये इनके वेरियस कुकीज हैं, अलग शेप्स के, अलग डिजाइंस के, अलग फ्लेवर्स के, काफी ज्यादा वैरायटी है इनके पास कुकीज के। ये देखिए, ये है इनका स्नैक्स कॉर्नर। यहाँ पे ये पनीर रोल है, पैटीज है, पनीर पैटीज है इनके पास, मशरूम कीश, चिकन कीश, जो एक फ्रेंच टार्ट होता है वो भी है इनके यहाँ पे स्नैक्स में, और पिज्जा, हॉट पिज्जा भी इनके पास अवेलेबल है, जो कि ये इनके खुद ही के बनाए हुए ब्रेड में, जो ये लॉन्ग ब्रेड्स होती हैं, इन्हीं पे बना के ये वो पिज्जा दे रहे हैं। तो काफी यूनिक स्टाइल है इनका पिज्जा देने का। इनका चीज एंड हर्ब क्रोइसेंट, आलमंड क्रोइसेंट, और ये क्रिसमस कलेक्शन की सारी चीजें इन्होंने अभी बना के रखी है क्रिसमस के लिए।
हाइजीन भी पूरा पूरा मेंटेन करके रखा है इन्होंने। हमने क्या लिया है यहाँ से? आलू मटर और तो इसका टेस्ट करके बताएंगे हम। तो फ्रेंड्स, पेस्ट्रीज हमने ले ली हैं और अब हम चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं बच्चों का रिएक्शन कि उन्हें कैसी लगी पेस्ट्रीज। सो लेट्स गो। अशान, कैसी लगी तुम्हें पेस्ट्री? बहुत अच्छी। मजा आया? कैसी लगी पेस्ट्री? बहुत टेस्टी। खाओ और मजे करो।